इसी तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इसकी एग्जांपल आगे की बना है एग्जाम्पल वन पॉइंट टू देखें फाइन द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग द स्क्रू ग्रेज आपने स्क्रू ग्रेज को यूज़ करके वायर का डायमीटर निकालना वायर जो आपके पास बहुत ही पतली चीज़ होती है थिन होती है उसका डायमीटर आपने फाइन करना है सोलूशन सोल्यूशन में देखें द डायमीटर फॉर गिवन वाई कैन बी फाउंड एज फॉलो हमने कैसे इसको फाइन करना है क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडर एंड द स्ट ऑफ द स्क्रू गेज बाई टर्निंग द रैचेट इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन जैसे घड़ी की रोटेशन होती है वैसी उसी डायरेक्शन में आपने रैचेट को मूव करना है रैचट को मूव करेंगे तो आपके पास स्पिडर और स्टड आपस में कम कंबाइन हो जाएंगी मीन उसके दरमियान जो डिस्टेंस हो जाएगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा देन आपने क्या करना है मेन द नोट द मेन स्केल एज एज वेल एज द सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड एंड ज़ीरो करेक्शन ऑफ़ द स्क्रू गेज सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपने फर्स्टली गेज को क्लोज करना है फिर उसमें आपने क्या देखना है कि इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है जीरो एरर चेक करना है सेकंड पार्ट आपने क्या करना है कि उसका जीरो एरर चेक करना है जब दोनों का मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों का जीरो आपस में कंसाइड करेगा तो आपके पास वो जीरो एर वो गेज आपके पास जीरो एरर नहीं एग्जिस्ट करेगा उसमें थर्ड पॉइंट है ओपन द गैप बिटवीन द स्टर्ड एंड द स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज बाई टर्निंग द रैचेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अब आपने एंटी क्लॉक वाइज यानी कि अपोजिट वे में उसको मूव करना है ताकि ये ये स्टर्ड और ये स्पिंडल आपस में ओपन हो जाए प्लेस द गिवन वायर इन द गैप एज शोन इन फिगर वन पॉइंट वन 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 पॉइंट वन वन फिगर में देखें यहाँ पे इन्होंने देखें स्टर्ड और स्पिंडल के दरमियान एक वायर रखी हुई है इसका डायमीटर फाइंड करना है टर्निंग द रैचेट सो दैट ऑब्जेक्ट इज इस बिटवीन एंड स्पिंडल इस स्ट्रेडशीट को आपने इस तरीके से मूव करना है कि आपस में इस तरह क्लोज हो जाएं और ये एक वाइज है वो इसमें एग्जिस्ट आ जाए और डिफरेंट यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएं आपके पास सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स आएंगी फिगर में आप देखें सर्कुलर स्केल रीडिंग इज एटी फाइव डिवीजन मल्टीप्लाई बाय

मिलीमीटर है और 85 डिवीजन आपके पास सर्कुलर स्केल की आ रही है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आएगा 0.085 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग लीविंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ वन मिलीमीटर मेन स्केल की जो रीडिंग है इसके फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ईच पार्ट कंसिस्ट कर रहा है वन मिलीमीटर पे फोर्थ पॉइंट है आपके पास नोट द मेन स्केल एज वेल एज द सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर अब आपने फाइव फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको अभी बताया कि कैसे मेयर करना है जो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कंसाइड करेगी इंडेक्स लाइन के साथ वही उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट so, काउंट से स्क्र्यू के लिस्ट काउंट से देन आपके पास उसकी रीडिंग आ जाएगी